नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। जी हाँ, मामला है नोएडा के गोल्फ कोस्ट मेट्रो स्टेशन का। यहां पर शनिवार सुबह एक युवक ने मेट्रो स्टेशन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। मामले पर पहुंचे एसपी ने बताया कि युवक का नाम रूपक पाल है और ये दिल्ली का निवासी है और इसकी उम्र केवल 25 वर्ष है। देखिए, नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पे आज सुबह तकरीबन 10 बजे एक युवक द्वारा मेट्रो के आगे छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया गया। सूचना पाके तत्काल थाने की पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो मृतक के पास आधार कार्ड मिला है उससे उसकी शिनाख्त 25 वर्ष की युवक रूपक पॉल के नाम से हुई है। परिजनों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। इस घटना की वजह से ब्लू लाइन पर काफ़ी देर तक सेवाएं बाधित रही और उसके बाद ही सेवाएं शुरू हो पाई। आखिर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन क्यों बनते जा रहे हैं सुसाइड स्पॉट? कुछ समय पहले DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप आंकड़ों की माने तो कुछ समय पहले 11 सितंबर को एक 40 साल के व्यक्ति ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या की। उसके बाद 7 सितंबर को एक 26 साल की महिला ने मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या की और इसी तरीके से 2 और 3 सितंबर को 2 और लोगों ने आत्महत्या की। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग मेट्रो स्टेशन को एक सुसाइड स्पॉट मानकर चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि DMRC प्रिवेंशन के तौर पर क्या कर रहा है, तो हम आपको बता दें DMRC ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल्स कॉप्स की नियुक्ति कर रहा है, लोगों पर नज़र रखी जा रही है CCTV कैमरेज के थ्रू। जो भी लोग अगर स्पॉट हो रहे हैं कि वो परेशान हैं तो उनको स्टेशन कंट्रोल रूम में बुलाकर उनकी काउंसलिंग हो रही है। बहुत सारे स्टेशन्स पर जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि सुसाइड कम से कम और ना के बराबर हो सके। DMRC एक नेवर गिव अप कैंपेन भी चला रही है जिससे हम इन सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोक सकें। अगर आंकड़ों की माने तो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट ब्लू लाइन पर हो रहे हैं, ब्लू लाइन जो कि द्वारका से नोएडा तक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग मेट्रो स्टेशंस पर ही क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो विशेषज्ञों का मानना ये है कि वहाँ पर जाना लोगों के लिए आसान है, वो डिप्रेस्ड है, मेंटली परेशान है, तो मेट्रो स्टेशन उनके लिए इजीली एक्सेसिबल है, तो इसलिए लोग वहाँ पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सबका प्रयास यही है कि आप स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें, मेंटली आप हेल्दी रहें और खुश रहें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।